इंदौर में 7 दिन की मासूम को उसे जन्म देने वाली मां ने ही अपनाने से मना कर दिया। मासूम को बाल कल्याण समिति ने अपना लिया। इस बच्ची को 19 साल की छात्रा ने जन्म दिया है। वह 1 साल से इंदौर में नौकरी करने वाले युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। लिव इन में रहने के दौरान वह गर्भवती हो गई। जब उसके पार्टनर को पता चला तो उसने बच्ची को अपनाने से मना कर दिया। छात्रा ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। इंदौर के महू में रहने वाली छात्रा को उसके परिजन डिलीवरी के लिए MY अस्पताल लाए। यहां उसने 1 सप्ताह पहले एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने बताया कि छात्रा अभी 19 साल की है, BA फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसकी जानकारी तत्काल बाल कल्याण समिति को दी। काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण समिति व चाइल्ड लाइन की टीम अस्पताल पहुंची। पहले तो छात्रा व उसके परिजन बात करने से मना करते रहे। काउंसलिंग के बाद उन्होंने बताया कि पिछले साल छात्रा की दोस्ती विजय 26 वर्ष पिता कानूराम दागसे निवासी धन गांव से हुई थी। युवक पीथमपुर की एक कंपनी में नौकरी करता है। वह महू से अप डाउन करता था। महू में ही उसने किराए का मकान ले रखा था। महू में ही छात्रा विजय के संपर्क में आई और दोस्ती के बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। इसी दौरान छात्रा गर्भवती हो गई, लेकिन उसने यह बात अपने परिवार को काफी समय तक छुपा कर रखी। इस बीच युवती को यह भी पता चला कि विजय पहले से ही शादीशुदा है। जन्म लेने के बाद बच्ची को छात्रा ने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। छात्रा के परिजनों ने भी उसे नहीं स्वीकारा। परिजनों ने कहा वे केवल अपनी बेटी को साथ में ले जाना चाहते हैं। उधर युवक व उसके परिवार ने भी बच्ची को अपनाने से मना कर दिया और उसके खिलाफ दुष्कर्म के केस दर्ज करवा दिए। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दूसरी ओर नवजात बच्ची को बाल कल्याण समिति ने एक संस्था को सौंपा है, जहाँ उसकी हालत अच्छी है। हॉस्पिटल में बालिका की डिलीवरी हुई है, लेकिन जो परिवार वाले थे, बालिका के परिवार फैमिली वाले और लड़के के फैमिली वाले, जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ था उसे अपने पास नहीं रखना चाहते। तो चाहते थे कि बच्चे को किसी संस्था में रखा जाए। फिर चाइल्ड लाइन टीम मौके पर पहुंची और परिवार से बात की, परिवार की सहमति ली और उसके बाद CWC के संज्ञान में देकर के बालिका को संस्था में प्रवेश करवाया।